सब्सक्राइब कर दियंतु आम YouTube चैनल डिस्कवर मोर 1995 को और प्रेस कर दियंतु बेल आइकन सबठारु प्रथमे आम वीडियो को देखिबा पई। सो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन, दिस इज प्रसाद एंड यू आर वाचिंग द चैनल डिस्कवर मोर 1995। तो आज हम डिस्कशन करबा त्रिकोणमितीय पार्ट नंबर 25 एवं अनुशीलनी 4C रो क्वेश्चन नंबर 9 एंड 10। सो फ्रेंड्स without wasting much time quickly let's go। तो आज क्लास देखा आम क्वेश्चन नंबर 9। तो जो पिला चैनल सब्सक्राइब करनो सब्सक्राइब कर दियो, मुझे ऑलरेडी सब्सक्राइब कर दी थी पिला सब्सक्राइब जी कर बहुत भल कथा, किंतु साइड रे जो बेल आइकन अच्छी छोट बेल आइकन देखो से बेल आइकन को प्रेस कर दियो, जहाँफल कि चैनल किसी नुआ वीडियो जो पोस्ट हम तो तुमको नोटिफिकेशन पलै आस। ठीक अच्छे, तो बर्तमान क्वेश्चन देख क्वेश्चन नंबर 9। एक समतल भूमि उपर देख पे जेन बारंबार कही अनुशीलनी 4C जिते भी क्वेश्चन आसो प्रथम डायग्राम करने चेस्ट कर, जो पे सठिक डायग्राम कर अधा कम हो गला। देख एक समतल भूमि उपरे एक मन कर एक लिखा समतल भूमि अच्छी भाव बुझेगा, समतल भूमि अच्छी 40 मीटर व्यवधान अर्थात जो समतल भूमि 40 मीटर व्यवधान में दुईटी खुंट लंब भाव पोता गोटे खुंटर उच्चता अन्य खुंटर उच्चतार दुई गुण बुझेगा, मन कर गोटे खुंट अच्छी भाव एक खुंट अच्छी अन्य गोटे खुंट जी अच्छी सी यो खुंटर उच्चतार दुई गुण, यो खुंटर उच्चतार दुई गुण। आ पे सब चेष्टा कर जो एग्जाम कर तुम चित्र चित्र को सब पेनसिल करने को ही ट्राए कर बुझेगा। ओके तो आम ना देद प्रथम आपको देदे आम ए बी आपको देदे आम सी डी, जो सान खुंट अच्छी सान खुंट हूँ ए बी सान खुंट हूँ ए बी खुंट ए बी एवं बड़ खुंट हूँ सी डी बड़ खुंट हूँ कौन पे सी डी ये कम सरला कौन बी डी ए जो खुंट मध्य दूरता जहाँकि बी डी नहींचे ता 40 मीटर। प्रथम कथा अनुशीलनी 4C जी भी क्वेश्चन रही प्रथम काम हूँ तुम प्रथम दत्त जी अच्छी लिखिदबा सहित जी रोच डायग्राम करने डायग्राम सठिक भाव लिखिदबा, तो ये 50% कम सल्व होपर कौन कहला खुंट द्वय से पाद बिंदु द्वय को जोग करुवा रेखाखंडर मध्य बिंदु रे जो कोण उत्पन्न करे, ताले जो बी डी रेखाखंड अच्छी यार मध्य बिंदु को मन कर नहीं जी आम डी डी तो नहीं ई नहीं जी। ठीक अच्छे, मध्य बिंदु नहीं जाओ आम ई बिंदु बुझेगा। ओके कौन कहला जो खुंट जोग हूँ अर्थात एई एवं सीई सीई जोग हूँ एवं जो कोण उत्पन्न हुए से माने परस्पर अनुपूरक पे गोटे टर्म कहला अनुपूरक अनुपूरक अर्थ कौन पे ना जदि दुईटी कोणर परिमाण समष्टि जदि 90 डिग्री हुए ताको आम अनुपूरक कोण कहवा, जदि परिपूरक दे था आम कौन कही था जो दुई कोणर परिमाण समष्टि 180 डिग्री से कोण देव को आम परिपूरक परस्पर परिपूरक कोण कहे अनुपूरक कोण अर्थात दीटा मिसले 90 डिग्री हम परिपूरक अर्थात दुईटा मिसले 180 डिग्री हम। ओके मन कर यहाँ हूँ थीटा तेल ये कौन हम 90 - थीटा कहीं दुईट कोण मिसले 90 डिग्री तो थीटा प्लस 90 - थीटा के 90 डिग्री। तो क्वेश्चन पचार खुंट द्वयर उच्चता निर्णय कर अर्थात ए बी उच्चता केते निर्णय कर एवं सी डी उच्चता केते निर्णय कर बुझेगा। देख बर्तमान आम कौन करवा त्रिभुज ए बी रे त्रिभुज ए बी रे ठीक अच्छे, देख त्रिभुज ए बी रे तो पे पूर्व आ गोटे कथा जापर ये कौन ना जेहेतु बी डी थिला कौन 40 मीटर थिला जेहेतु ई हूँ मध्य बिंदु तो बीई बीई पिला देखा एवं ईडी मूल्य कौन हम 40 रे अधा हो तो 40/2 अर्थात 20 मीटर बुझेगा। ओके बर्तमान देख त्रिभुज ए बीई रे
देखो एटा होची थीटा, तो मु कहितली थीटा रो सम्मुखीन भाव सबळे पी होबो एवं एटा 90 डिग्री, तो 90 डिग्री रो सम्मुखीन भाव सबळे एच होबो, बाकी रहिला पी। तो पिला माने देखो आमुकु कोण दरकार, देखो आमुकु कोण दरकार ना एबी रो दरकार आउ सीडी रो दरकार। मने कर आमे एबी को नबा एक्स, मने कर एबी को नबा आमे एक्स मीटर, ताले सीडी कोण होबो पिला माने सीडी होबो 2x। तो 2x केमि थेला ना एठी गोटे लाइन दैछि ना गोटे खुंटर उच्चता अन्य खुंटर उच्चतार द्विगुण, जदि गोटे x मीटर हैला आ गोटे कोण होबो 2x मीटर तर द्विगुण। देखो त्रिभुज ए बी ई रे थीटा रो सम्मुखीन भाव होछि p, 90 डिग्री रो सम्मुखीन भाव होछि h, बाकी होछि b। तो b रो मूल्य आमे जानि छि केते, बी होची 20 मीटर, ये भी 20 मीटर। तो आमे लेखि परबा कोन पी एवं बी भितरु, मु जेंति कहिथिली ना पी एवं बी भितरु गोटे रो मूल्य जणा अछि, कार बी रो मूल्य जणा अछि, पी रो मूल्य बाहर करिवार अछि। तो पी और बी भितरे संपर्क कोन ना टेन थीटा होची पी बाय बी, तो टेन थीटा होची कोन पिला माने पी बाय बी। ओके तो टेन थीटा केते होची, टेन थीटा ही होची इज इक्वल टू पी, पी रो मूल्य हमें जानिचे एक्स डिवाइड बाय बी केते नीचे हमें 20, तो टेन थीटा इज इक्वल टू केते आसला पिला माने एक्स बाय 20, आकु दे दियो हमें इक्वेशन नंबर 1। सेमरी भाव रे वर्तमान हमें सी डी ई त्रिभुज देखिबा, त्रिभुज सी डी ई रे देखो ई डी होची 20 मीटर एवं सी डी होची 2x मीटर। तो पिला माने देखो जोटा थीटा देची, थीटा रो सम्मुखीन बाहु होची परपेंडिकुलर, 90 डिग्री रो सम्मुखीन बाहु होची एच, बाकी जहा रहिला बी। तो बी एवं पी भितरु गोटे रो मूल्य जणा अछि आ गोटे रो मूल्य हमकु बाहर करिवार अछि। तो अगेन पकेबा कोन ना 10 थीटा, किंतु थीटा जहा केते अछि पिला माने हमरो 90 माइनस थीटा, तो 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू पी बाय बी, पर परपेंडिकुलर केते अछि 2x डिवाइड बाय बी केते अछि 20, बुझेला। ओके बर्तमान आम कौन कर परिबा, देखो 10 90 डिग्री माइनस थीटा अछि, ताले 10 90 माइनस थीटा को लिख परिबा आम कौन कॉट थीटा, तो कॉट थीटा इक्वल कोन हो 2 2 2 दशा 20, तो कत रहला x बाय 10। तो ये आसी गला समीकरण नंबर 2। बर्तमान देखो हमकु पचर छि कोन ए बी रो दैर्घ्य केते, सी डी रो दैर्घ्य केते, अर्थात हमकु जदि x एवं 2x रो वैल्यू पचर छि, तो देखो एठे हम गोटे सूत्र जानिथिले ना कोन इजीली बाहर करबा में ना 10 थीटा इनटू कॉट थीटा रो मूल्य केते सब बेले 1 सहित समान हुए। ताले देखो 10 थीटा जार केते अछि x बाय 20 इनटू कॉट थीटा अछि x बाय 10 इज इक्वल टू 1। ताले वर्तमान कोन हो देखिबा x इनटू x x स्क्वायर टू 20 इनटू 10 200 इज इक्वल टू 1, ताले x स्क्वायर इज इक्वल कोन आसला 200 इनटू 1 होची 200, ताले x आसी जीवो रूट ओवर ऑफ 200, ताले ये जीवो कोन पिलाने यार उत्तर आसीबो 2 नहीं 10 रूट आसीबो, 10 रूट आसीबो तो किबळी भाव आसीबो देखिबा 200 को लेखि परबा आमे 2 गुणन 100, बुझेला। तो रूट ओवर ऑफ 100 केते 10 आ रूट 2 भितर अछि, तो रूट 2 भितरे रहि गेला, तो आसला केते x आसला केते पिलाने 10 रूट 2 मीटर। x एक्चुअली कहा को नै थिला आमे एबी रो दर्घ्य को नहीं थी जहाँ की होची x इज इक्वल टू 10 रूट 2, प्रथम क्वेश्चन रा आंसर बाहर गला। तापर कहला सी डी, सी डी केते नै चामे 2x, तो 2 इनटू x तो 2 गुणन 10 रूट 2, तासी कोन 2 गुणन 10 20 रूट 2 मीटर। तो एबी रो दर्घ्य निर्णय करले एवं सी डी रो दर्घ्य मध्ये आमे निर्णय करले। तो क्वेश्चन इजी अछि, क्वेश्चन किछ डिफिकल्ट नै, केवल बुझिया पे टिके समय लागतिला, किंतु क्वेश्चन बहुत सहज अछि, मात्र जदि खाली रे करबी पाखा पे कि गोटे दि धाड रे ही सरी जाउछि। प्रथम कथा हमको 10 थीटा बाहर करिया पड़िबो, कॉट थीटा बाहर करिया पड़िबो, तापर एही पार्ट टि करले x बाहर पड़ले 2x बाहर पड़ला, बहुत चारोटी धाड रे मात्र क्वेश्चन रो समाधान हे पड़छि, किंतु बुझिया पई जेतु टिके समय लागिबो। ओके तो बर्तन देखिबा ए वीडियो रो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। बर्तन देखियो हमें क्वेश्चन नंबर 10, प्रथम क्वेश्चन पढ़िबा गोटी गछर शीर्षरु भूमि ऊपर थिबा गोटी वस्तु रो कोणिक अवनतिर परिमाण 60 डिग्री थिला, सही गछर शीर्षरु एटा 15 मीटर पिला ने 1.5 मीटर उत्तर आसीबनी, 15 मीटर तळ को ओल्हाई आसिले उक्त वस्तु रो कोणिक अवनतिर परिमाण 30 डिग्री हुए।
ଗଛର ଉଚ୍ଚତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ଯେମିତି ବାରମ୍ବାର କହିଛି, ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ଆମେ ଡାଇଗ୍ରାମ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରିପେୟାର କରିବା। ଦେଖ ତ କିଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରିପେୟାର କରିବା, ନା ଗୋଟିଏ ଗଛର ଶୀର୍ଷ ଅର୍ଥାତ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଅଛି, ପ୍ରଥମ କଥା ଏଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ଗଛର ଶୀର୍ଷରୁ ଅର୍ଥାତ ଏଇ ଭାଗରୁ ଭୂମି ଉପରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁର କୌଣିକ ଅବନତିର ପରିମାଣ 60 ଡିଗ୍ରୀ ଥିଲା। ଅର୍ଥାତ ଯଦି ଏଇଟା ଭୂମି ହୁଏ, ମନେକର ଏଇ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଆମର କ'ଣ ଅଛି ନା ବସ୍ତୁ ଅଛି, ଏବଂ ଗଛର ଶୀର୍ଷରୁ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି କୌଣିକ ଅବନତିର ପରିମାଣ ହେଉଛି 60 ଡିଗ୍ରୀ। ଅର୍ଥାତ ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଶୀର୍ଷ ବିନ୍ଦୁରୁ ଆମେ ଯଦି ତଳକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଏକ ଟାଣିବା, ଠିକ ଅଛି ଟାଣିବା, ତ କୌଣିକ ଅବନତି, ପିଲାମାନେ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର କହିଛି ଯେତେବେଳେ କୌଣିକ ଅବନତିରୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ଟିକେ କେୟାରଫୁଲ ହବ, କାହିଁକି ଦେଖ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କରିବ, ଏଇଠୁ ଯେତେ ଡିଗ୍ରୀ କମିଲା ଇଏ ହଉଛି 60 ଡିଗ୍ରୀ, ଯଦି ଇଏ 60 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା ତାହେଲେ ଇଏ ମଧ୍ୟ କଣ ହବ 60 ଡିଗ୍ରୀ, ବୁଝିହେଲା। ଓକେ ନା ଦେଇଦେବା, ମନେକର ଗଛର ଉଚ୍ଚତା ହଉଛି ଏ ବି ଏବଂ ସି ବିନ୍ଦୁରେ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁଟେ ଅଛି, ତ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ ଏଇଟା 60 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲେ ଏଇଟା କଣ ପାଇଁ 60 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା ନା କାହିଁକି ଏକାନ୍ତର କୋଣ, ଠିକ ଅଛି ଇଏ ହଉଛି କଣ ଏକାନ୍ତର କୋଣ। ତାପରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କଣ କହିଲା, ସେହି ଗଛର ଶୀର୍ଷରୁ ଅର୍ଥାତ ଏଇ ଗଛର ଶୀର୍ଷ ଅର୍ଥାତ ଏ ବିନ୍ଦୁରୁ 15 ମିଟର ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଲେ, ମନେକର ଆମେ 15 ମିଟର ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଲେ ଏ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ୟାର ନାଁ ଦେଇଦେବା ମନେକର ଆମେ ଡି ବିନ୍ଦୁ, ଅର୍ଥାତ ଏ ରୁ ଡି ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହଉଛି 15 ମିଟର, ତ 15 ମିଟର ତଳକୁ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିଲେ ଉକ୍ତ ବସ୍ତୁର କୌଣିକ ଅବନତି ଅର୍ଥାତ ଏଇ ଡି ବିନ୍ଦୁରୁ ସି ବିନ୍ଦୁ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଅବନତି ହବ ତାହା କେତେ 30 ଡିଗ୍ରୀ। ଏଗେନ୍ ଆମେ ଏଇଭଳି ଭାବରେ କରିବା, ଅବନତି ଯେ ଦେଇଛି ଇଏ 30 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ କୋଣ ଦେଖୁଛ ଇଏ ହବ 30 ଡିଗ୍ରୀ। ତ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲା ଗଛର ଉଚ୍ଚତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ଅର୍ଥାତ ଏ ବି ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ତ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ସମାଧାନ କରିବା, ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ତ୍ରିଭୁଜ ପ୍ରଥମେ ବୁଝିବା ଚିତ୍ରରେ ଏ ବି ସି ରେ କଣ କମନ ଅଛି, ବିସି କମନ ଅଛି ଅର୍ଥାତ ଭୂମି କମନ ଅଛି, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତ୍ରିଭୁଜ ଡି ବି ସି ରେ କଣ କମନ ଅଛି, ବିସି କମନ ଅଛି, ଅର୍ଥାତ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଅର୍ଥାତ ଏ ବି ସି ରେ ଆମେ ବିସି ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ବି ଡି ସି ରେ ବିସି ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଏବଂ ଉଭୟ ଇକ୍ୱେସନ୍ କୁ ସମାନ କରିଦେବା ତାହେଲେ ଆମର ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିହେବ। ମନେକର ବିଡି ର ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ ନବା ଆମେ ମନେକର ନବା ଏକ୍ସ, ଠିକ ଅଛି ବିଡି ଏକ୍ସ ନବା, ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଖ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସି ରେ, ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସି ରେ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସି ଅର୍ଥାତ ବଡଟା ଏ ବି ସି, ଏଇଠି ଥିଟା କଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ 60 ଡିଗ୍ରୀ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି, ଆଉ କଣ ରହିଲା ଆମର ଏ ବି କେତେ ଅଛି, ଏ ବି ହଉଛି କଣ ଦେଖ ଏ ବି କଣ ଏ ଡି ପ୍ଲସ ଡି ବି, ଏ ଡି ପ୍ଲସ ଡି ବି, ଏ ଡି ହଉଛି କେତେ 15, ଡିବି କେତେ ଏକ୍ସ, ତ 15 + x ମିଟର ବା ଆକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା କଣ ନା x + 15 ମିଟର, ବୁଝିହେଲା। ଯଦି ଏଇଟା ଥିଟା ହେଲା ଥିଟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ଭାବ ସବୁବେଳେ ରହିବ କଣ ପରପେଣ୍ଡିକୁଲାର, ତା ସହିତ ବି ଏବଂ 90 ଡିଗ୍ରୀର ସମ୍ମୁଖୀନ ଭାବ ହଉଛି ସବୁବେଳେ ଏଚ, ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏ ବି ଅର୍ଥାତ କଣ ପି ର ଭାଲ୍ୟୁ ଦେଇଛି, ଆମକୁ ବାହାର କରିବା କଣ ବି କେତେ, ଯଦି ପି ଏବଂ ବି ଭିତରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେର ମୂଲ୍ୟ ଦେଇଥାଏ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେର ମୂଲ୍ୟ ପଚାରିଥାଏ ଆମେ କଣ ପକେଇବା ବାରମ୍ବାର 10θିଟା ହିଁ ପକେଇବା, ଆମେ ଜାଣିଛେ 10θିଟା ହଉଛି କଣ ପି ବାଇ ବି, ଅର୍ଥାତ 10θିଟା କେତେ ନେଇଛେ ଆମେ 60 ଡିଗ୍ରୀ, ଓକେ ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ପି ବାଇ ବି, ପି କେତେ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ 15 ଡିଭାଇଡ ବାଇ ବି କଣ ବି ଆମେ ଜାଣିନେ, ତ ବି କୁ ଆମେ ବି ହିଁ ରଖିବା, 10 60ର ମୂଲ୍ୟ ହଉଛି ପିଲାମାନେ √3, ତ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ 15 ବାଇ ବି। ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରିବା ଆମେ କ୍ରସ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କରିଦେବା, √3 ମାନେ √3/1 ଅଛି, ତ √3 × b ହଉଛି √3b, 1 × x + 15 ହଉଛି x + 15, ଅର୍ଥାତ ବି ର ମୂଲ୍ୟ ଆସିଯିବ ଆମର x + 15/√3, ବୁଝିହେଲା। ତ ପ୍ରଥମ ଉତ୍ତର ଆସିଲା ବି ର x + 15/√3, ବୁଝିହେଲା। ତ କେ ତ୍ରିଭୁଜ ABC ର କାମ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରିଦେଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ତ୍ରିଭୁଜ ବି ଡି ସି ବା ବି ସି ଡି ଯାହା ବି କୁହ ଏକା ଜିନିଷ, ଦେଖ ତ୍ରିଭୁଜ ବିସିଡିରେ ଥିଟା କେତେ, ଥିଟା ହଉଛି ପିଲାମାନେ 30 ଡିଗ୍ରୀ, ବୁଝିହେଲା, ଏବଂ ବିସି ବିସି ଆମେ ଜାଣିନେ, ବିଡି ଜାଣିଛେ, ବିଡି ହଉଛି କଣ ପିଲାମାନେ ନା ଏକ୍ସ,
जदि इटा थीटा हला थीटार सम्मुखीन भाव सब पी हम 90 डिग्री सम्मुखीन भाव सब एच हम बाकी जहाँ रहा सी हम बी तो बी अर्थात कौन पे बी हूँ पी आम कौन बाहर करवा मूल्य बाहर करवा तो पी ए बी भितर जदि गोटर मूल्य जना अच्छी गोटर मूल्य जना ना कौन ना आम सब टेन थीटा ना तो टेन थीटा हूँ पी बाई बी अर्थात टेन थीटा के पाने तीस डिग्री इजिक्वल टू पी पी अर्थात एक्स बाई बी आम जान लु तो बी को आम बी रखा टेन थर्टी मूल्य हूँ वन बै रुट थ्री इजिक्वल टू एक्स बै बी तो कौन हम बी गुणन वन के रुट थ्री गुणन एक्स हम रुट थ्री एक्स तो पे देख प्रथम जिनस बाहर कले प्रथम समीकरण से बाहर कले बी रूल्य हूँ एक्स प्लस पंद्रह बै रुट थ्री सेकेंड रे बाहर कले आम बी हूँ रुट थ्री एक्स बी रूल्य जो बाहर उभय सामान हवा दरकार तो आम लिखिपर कौन ना एक्स प्लस पंद्रह बै रुट थ्री इज इक्वल टू कौन ना रुट थ्री एक्स मान कौन पे रुट थ्री एक्स बै वन बर्तमान कौन कर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो रुट थ्री गुण न रुट थ्री एक्स इक्वल टू एक्स प्लस पंद्रह गुण एक्स प्लस पंद्रह तो रुट थ्री इंटू रुट थ्री थ्री एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस पंद्रह सो थ्री एक्स एक्स एपटे पलासिले माइनस एक्स इज इक्वल टू पंद्रह अर्थात पे जानपर थ्री एक्स माइनस एक्स हूँ टू एक्स इक्वल टू पंदर एवं एक्स रूल्य आस पंदर बै दुई सेवेन पॉइंट फाइव मीटर एक्स रूल्य के आसा पे सेवेन पॉइंट फाइव मीटर तो क्वेश्चन आमको कौन पचार दैर्घ्य के पे तुम जानपर थे ए वि दैर्घ्य आम कि भाव निर्णय करवा ना ए डी दैर्घ्य प्लस डी वि दैर्घ्य ए डी दैर्घ्य प्लस डी वि दैर्घ्य ए डी दैर्घ्य के पंदर मीटर प्लस डी को कौन नहीं आम एक्स नहीं एक्स रैल्यू के आसने पे सेवेन पॉइंट फाइव मीटर तो प्लस कर दियो सेवेन पॉइंट फाइव मीटर तो आसगला ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव मीटर ये हूँ उत्तर बुझेगा क्वेश्चन पे किसी कष्ट ना मेन जिन बुझा देख ए बी सी बी सी अच्छी बी सी डी बी सी अच्छी जदि उभय क्षेत्र में बी सी को निर्णय करवा उभय को सामान करदे एक्स रूल्य बाहरी थी बुझेगा तो भाव में तुमको प्रश्न टी समाधान करने को पड़ो तो अतएव लिख बोलानी अतएव हूँ गच्छी उच्चता हूँ बैस दशमिक पांच मीटर बुझेगा ओके सो फ्रेंड्स आम भिडियो एंड करवा पे जब भिडियो भल लगी थे निश्चित भाव में कमेंट सेक्शन लिखी जाना सहित भिडियो गोटे लाइक कर दियो सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो नेक्स्ट क्लास देखा क्वेश्चन नंबर 11 और 12 सो